हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी इमेज से, किसी स्क्रीनशॉट से या फिर किसी इमेज के यूआरएल से अगर आपको कुछ टेक्स्ट निकालना है, यानी कि आपके पास एक इमेज है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप नहीं चाहते कि उसको टाइप करें, लंबा टेक्स्ट है, तो आप उस इमेज से टेक्स्ट को बहुत आसानी से कैसे निकाल सकते हैं और आप उसका यूज भी ले सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिंपल स्टेप्स के द्वारा। कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस, ऐसा कई बार होता है कि हमें कई बार अक्सर जरूरत पड़ती है किसी स्क्रीनशॉट से टेक्स्ट को कॉपी करने की, किसी इमेज से टेक्स्ट को कॉपी करने की। तो यहाँ पर सपोज हमारे सिस्टम में कोई एरर आता है और वो एरर हमें किसी को लिखकर बताना है, तो हम उस एरर को कैप्चर कर सकते हैं और कैप्चर करके उसका टेक्स्ट हम उस इमेज से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सपोज मैं विंडो प्लस आर दबा के एक एरर जनरेट करता हूँ। ऐसे ये कोई कमांड नहीं है, ए बी, जस्ट मैंने यहाँ पे ए बी लिखा और ओके बटन दबाया तो यहाँ पे एक एरर आ गया, विंडोज कैन नॉट फाइंड ए बी, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली एंड देन ट्राई अगेन। ठीक है, ये एक तरीके का एरर है। सपोज एरर कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इस एरर का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट? यहां पर विंडोज 10 और 11 में आपको स्निपिंग टूल मिलता है, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद आप अपना ये एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसमें एरर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया जिसमें एरर लिखा हुआ है। ऐसे काफी सारी क्वेरीज मेरे पास आती है, लोगों को काफी सारे एरर आते हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं मुझे कि एरर आ रहा है। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से एरर का स्क्रीनशॉट लेके उसको कॉपी करके मुझे आसानी से बता सकते हैं, या फिर किसी भी टास्क में आप इसका यूज ले सकते हैं। किसी मैसेज का, किसी पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस बॉक्स में ये एरर आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर आप एक सर्च इंजन यूज लेंगे bing.com। ठीक है, bing.com पे जाएंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है और यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी मिलती है सर्च यूजिंग एन इमेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, तीनों ही ऑप्शन बहुत ही धांसू हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ड्रैग वन और मोर इमेजेस हियर और ब्राउज। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऐसी इमेज अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने सिस्टम से जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसका टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके बता देगा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड इमेजेस भी सर्च करके बताएगा। दूसरा, यहाँ पे किसी इमेज का यूआरएल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और तीसरा, आपके पास अगर वेबकैम है तो आप अपने वेबकैम से फोटो क्लिक करके उसमें क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम अपना टास्क कहाँ पे परफॉर्म करें, तो यहाँ पर हमारे जो काम की चीज है, अगर हमें स्क्रीनशॉट से टेक्स्ट निकालना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेस्ट इमेज या फिर यूआरएल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इमेज पेस्ट करनी है और इमेज पेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं अभी हमने क्या किया, एक स्निपिंग टूल से यहाँ पे हमने अपना इमेज कैप्चर किया पर्टिकुलर साइज में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, यानी कि इस इमेज को कॉपी करने का। मैंने इस इमेज को कॉपी किया इस पे क्लिक करके, अब वापस से मैं ब्राउजर में गया अपने और यहाँ पे पेस्ट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे पेस्ट इमेज पे यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ और जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरर से रिलेटेड तो इमेजेस भी आ रही है और साथ ही साथ इस एरर में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे आ रहा है, जिसको आप यूज ले सकते हैं अपने पर्सनल यूज में। सपोज मैं यहाँ पे नोटपैड में यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से मैंने इस इमेज से इस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आप भी जब भी कोई एरर आपके सिस्टम में आए और आप अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से एरर को कॉपी करके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में आप मुझे सेंड कर सकते हैं जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। और भी किसी भी टास्क में आपके ये अगर वीडियो काम आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।